नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नवरात्रि विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। दोस्तों, पूरे देश में नवरात्रि की धूम चल रही है। लोग माँ के अलग अलग रूपों की पूजा के लिए विशेष तौर पर तैयारियां कर रहे हैं। हर कोई माँ की कृपा पाना चाहता है। अब ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस नवरात्र में माँ दुर्गा की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि धन संपत्ति कैसे प्राप्त करें। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते ही हैं कि माँ दुर्गा की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही साथ उसको सफलता भी मिलती है। हर व्यक्ति के जीवन में तरक्की के रास्ते जरूर खुलते हैं, इसलिए शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लोग पूजा पाठ और उपाय करते हैं। और इस साल आश्विन मास की नवरात्रि जो है वो 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चलेगी। और ऐसे में यदि आप भी धनवान बनना चाहते हैं तो नवरात्रि के इन 9 दिनों के दौरान कुछ खास उपाय कर लें। सबसे पहला उपाय है, नवरात्रि के दिनों में बजरंग बली की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके लिए नवरात्रि के 9 दिन में हनुमान जी को पान का बीड़ा जरूर अर्पित करें। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है, नवरात्रि के 9 दिनों में अखंड दीपक जलाने का बड़ा ही महत्व है। यदि ऐसा ना कर पाए तो सुबह शाम घी या तेल का दीपक जलाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दीपक में 4 लौंग भी डाल दें और दीपक और लौंग का ये उपाय आपको जरूर लाभ पहुंचाएगा। अगला उपाय है, माँ दुर्गा को लाल चुनरी में 5 प्रकार के सूखे मेवे रखकर अर्पित करें। ऐसा करने से माता रानी खूब प्रसन्न होती है। साथ ही देवी मंदिर में नवरात्रि के किसी भी दिन लाल रंग की ध्वजा जरूर अर्पित करें। ऐसा करना आपको हर काम में सफलता जरूर दिलाएगा। और हाँ, साथ ही देवी माँ को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर जरूर समर्पित करें। साथ ही माँ दुर्गा को 7 इलायची और मिश्री का भोग भी लगाएं। इसी के साथ ही नवरात्रि में माता रानी को मखाने और सिक्के जरूर अर्पित करें, फिर इन्हें गरीबों में बांट दें। नवरात्रि में छोटी कन्याओं को खीर पूरी खिलाना भी बहुत जरूरी है और कुछ भेंट भी उन कन्याओं को अवश्य दें। नवरात्रि के दौरान अपने घर में सोना या चांदी की कोई भी शुभ सामग्री जैसे स्वास्तिक, ओम, श्री, हाथी, कलश, दीपक, गरुड़ घंटी, पात्र, कमल, श्री यंत्र, आचमनी, मुकुट या फिर त्रिशूल जरूर खरीदें। फिर उसे देवी दुर्गा के चरणों में रखकर 9 दिन तक उसकी पूजा करें और आखिरी दिन उस चीज को गुलाबी रेशमी कपड़े में बांध कर तिजोरी या फिर धन स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपके धन में तेजी से वृद्धि होगी। अब आपको ये भी बता देते हैं कि इन 9 दिनों में माता के अलग अलग स्वरूप को क्या चढ़ाएं। नवरात्रि के सबसे पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है और माँ शैलपुत्री को पीला वस्त्र पहनाकर बालों का श्रृंगार किया जाता है। दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है और इन्हें सिंदूर और द्रव्य चढ़ाना चाहिए। और तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है, इनके मस्तक में सिंदूर चढ़ाया जाता है। और चौथे दिन देवी माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है, इस दिन माँ की आंखों का श्रृंगार जरूर करना चाहिए। पांचवा दिन स्कंद माता का है, इस दिन माँ के अंग की पूजा की जाती है, यानी जो भी वस्त्र और द्रव्य है जो अंग को सुंदर बना सके उन्हें चढ़ाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब बारी आती है छठे दिन की। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, पंचमी तक माँ का श्रृंगार किया जाता है, वहीं छठे दिन बेल के पेड़ की जड़ की पूजा की जाती है और सातवें दिन कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन हमने जो बेलपत्र के पेड़ के नीचे पूजा की है उससे घर में आवाहन करते हैं और अर्धरात्रि के समय होने वाली इनकी विशेष पूजा की जाती है। आठवें दिन महागौरी की पूजा होती है, इन्हें गुलाबी रंग बेहद पसंद है, इस दिन माँ का श्रृंगार गुलाबी रंग से करें। वही नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, इस दिन हवन करते हैं और देवी से प्रार्थना करते हैं, इससे माता रानी प्रसन्न होती है और मनोकामनाएं आपकी अवश्य पूरी करती हैं। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आप इस नवरात्रि ये उपाय जरूर करेंगे ताकि माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे और आपका घर सुख और धन धान्य से भर जाए। इसी कामना के साथ आज के इस नवरात्र विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलते हैं जल्दी ही एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।